به المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد ثنا کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے اور اللہ کے احسان سے رب الرجب المرجب کا مہینہ مکمل ہوا اور شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہوا. آج شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے. اس ماہ میں رمضان المبارک کی آمد قریب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے. تو اس ماہ میں ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیار ہونا چاہیے اور رمضان المبارک کے لیے تیاری میں لگنا چاہیے. اور حضور علیہ السلام کا شعبان میں روزہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کی تقلید میں اور حضور کی اتباع میں جہاں تک ممکن ہو شعبان المعظم میں روزے سے ہوا جائے. حضور علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف اور نفل نماز اور جن کی نمازیں قضا ہوئی اور جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ ان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور جن کے روزے قضا ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں اور خاص اللہ تعالیٰ کا نام یا شکور اس ماہ میں ورد میں رکھیں. یا شکور یا اللہ. ہمارا آج کا موضوع ہے مسجد اقصیٰ کا مقام اور سٹیٹس. بیت المقدس دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی ہمیشہ سے بابرکت چلا رہا ہے. وہاں دینی برکات بھی ہیں. وہاں انبیاء علیہ السلام آئے اور ان پر اللہ کی وحی اتری. وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہوئے اور وہاں انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی عبادتیں کی اور ریاضات کیے اور بیت المقدس انبیاء کا قبلہ رہا اور حضور علیہ السلام کا بھی ابتداءً بیت المقدس قبلہ رہا. اس لیے حضور علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے امام القبلتین، دو قبلوں کے امام. جب آپ نے کعبے کی طرف رخ مبارک کیا تو امام الکعبہ ہوئے
और जब बैत अल मुकद्दस की तरफ रुख मुबारक फेरा तो इमाम बैत अल मुकद्दस हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम का इम्तियाज है कि आपने और आपकी उम्मत ने बैतुल मुकद्दस की तरफ भी मुंह करके नमाज अदा की और खाना काबा की तरफ भी। हुजूर सलाम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम का किबला रहा बैतुल मुकद्दस, और मुसलमान यहूद और नसारा सब के यहां बैतुल मुकद्दस का मुकाम मुसल्लम है, सब मानते हैं। दुनियावी हवाले से भी वहां दरख्त हैं, बागात हैं और पानी की नहरें हैं, चश्मे हैं। तो दीनी नेमतें भी वहां हैं और हुई, और दुनियावी नेमतें भी वहां हैं और हुई। सुनन इब्ने माजा में इब्ने माजा ने एक बाब बांधा, बाबो अय्यु मस्जिदिन वुदिया अव्वल। इस बाब में यह बयान किया कि किस मस्जिद को सबसे पहले बनाया गया, और इसमें उन्होंने हदीस कोट की हजरत अबू जर रदी अल्लाह तआला अन्हु की। अन अबी जर قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع اول। ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سب سے پہلے کس مسجد کو بنایا؟ تو قال المسجد الحرام। آقا نے جواب دیا सबसे पहले मस्जिद हराम, जमीन पर सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद हराम। कुल तो सुम आई काल अल मस्जिद अक्सा। अबू जर ने पूछा रसूलल्लाह मस्जिद हराम खाने काबा के बाद किस मस्जिद को बनाया गया? हुजूर सलाम ने फरमाया मस्जिद अक्सा को। काला कुल तो कम बैना हुमा काला अरबून आमन। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में और मस्जिद बैतुल मुकद्दस में और उनके बनाने में कितना फासला रहा, कितना गैप रहा? हुजूर सलाम ने फरमाया 40 साल, 40 ईयर्स। 40 साल पहले मस्जिद हराम बनी और उसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा को बनाया गया। यहां इस हदीस पर एक ऑब्जेक्शन होता है, एतराज होता है कि काबे को बनाने वाले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बैतुल मुकद्दस को बनाने वाले सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 1000 साल से ज्यादा है। और हदीस में ये है कि बैतुल मुकद्दस को, मस्जिद अक्सा को मस्जिद हराम के 40 साल बाद बनाया। तो मुहक्किक अल-इत्लाक सैयदना व सनदना अशा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नवर अल्लाह मरकदहू ने लम्आत शरह मिश्कात में उसका जवाब दिया कि असल में सबसे पहले बनाने वाले खाने काबा के भी आदम अलैहिस्सलाम हैं, और सबसे पहले बनाने वाले बैतुल मुकद्दस के भी आदम अलैहिस्सलाम हैं। जहां तक बात यह है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाया, तो ये बात की तामीर है, ये बात की तामीर है, ये पहली तामीर नहीं। सबसे पहले जो बनाया गया
खाने काबा को और मस्जिद अक्सा को तो वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और इमाम इब्ने हिशाम ने किताब तीजान में रिवायत बयान की कि इन आदमा बनल बैता व अमरहु जिब्रील बिल मसीर इला बैतिल मुकद्दस अन यबनी फबनाहु व नसक फी, के सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बताया, उनकी बारगाह में दरख्वास्त की कि आप बैतुल मुकद्दस चले जाएं और वहां अल्लाह के घर बना लें। तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस गए और वहां जाके मस्जिद अक्सा को बनाया, और उस मस्जिद अक्सा में सबसे पहले इबादत भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की। सबसे पहले इबादत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और जहां तक बात है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने की, तो ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत बाद में उसकी फिर से तजदीद की और उसको फिर से बनाया, सवारा और दोबारा बनाया। जैसे काबा बार बार बनाया गया मुख्तलिफ अंबिया ने अपने अपने दौर में, फिर बाद के खुलफा के दौर में, तो इस तरह बैतुल मुकद्दस को भी मुख्तलिफ अंबिया ने बनाया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमारे यहाँ हदीस की किताबों में, नसई शरीफ में और इब्ने माजा में ये रिवायत है, हुजूर सलाम ने फरमाया कि इन्ना सुलेमान अबना दाऊद लम्मा बनल बैत अल मुकद्दस सअलल्लाह सलासन, कि सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मुकद्दस को, मस्जिद अक्सा को बनाया, तो उस वक्त सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीन चीजें अल्लाह से मांगी और तीन दुआएं की। पहली दुआ ये थी सअलहू सअलहू, फिर हुजूर सलाम ने फरमाया कि कद आताहु इस्नतैन व अर्जू अन यकून कद आताहु सालिसा, कि उन्होंने तीन दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने दो दुआएं जो मांगी वो कबूल की, और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक ने उनकी तीसरी दुआ को भी कबूल किया होगा। पहली दुआ ये थी सअलहू मुल्कन ला यंबगी लिअहद बादहू फअअताहु इय्याह, उन्होंने अल्लाह ताला से ऐसी सल्तनत और किंगडम और बादशाहत और ममलिकत मांगी जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कयामत तक किसी और को न मिले। अल्लाह ताला ने उनकी उस दुआ को कबूल किया और आपकी बादशाहत बेमिसाल बेनजीर और यूनिक हुई, सब पर थी, इंसानों पर, जिन्नात पर, तमाम मखलूकात और मौजूदा। वसअलहू, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की कि अल्लाह ताला उनको दे हुक्मन युवाती हुक्महू, ऐसे फैसले और जजमेंट की ताकत दे जो अल्लाह ताला के जजमेंट और फैसले के मुताबिक हो। फआता हो या ये भी दे दिया गया, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मन आता हाजल बैत वला युरीद इल्लल बैत व युरीद ويريد الصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه। तीसरी दुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह मांगी कि मौला जो शख्स बैतुल मुकद्दस आए और उसकी नियत सिर्फ बैतुल मुकद्दस में आना हो और बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ना हो, तो मौला बैतुल मुकद्दस में आने वाला उसमें नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे कि आज उसकी मां ने उसे जना हो।
हुजूर सलाम ने फरमाया कि अर्जू अन यकूना आताहु सालिसा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल किया होगा। तो मुकाम बैतुल मुकद्दस का ये है कि जो शख्स वहां बैतुल मुकद्दस की जियारत की नीयत से जाता है और वहां बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ता है तो वो गुनाहों से इस तरह निकल जाता है कि जैसे कि आज उसकी मां ने उसे जना हो, गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। और एक और रिवायत है, हुजूर सलाम ने फरमाया कि अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना मुअज्जिनु बैतिल मुकद्दस सुम्मा मुअज्जिनु मस्जिदी सुम्मा सायरुल मुअज्जिनीन। फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले अंबिया दाखिल होंगे और अंबिया के बाद जन्नत में सबसे पहले जाने वाले मस्जिद अक्सा के मुअज्जिन होंगे और फरमाया उसके बाद मेरे मस्जिद के मुअज्जिन होंगे और उसके बाद सारे मुअज्जिन होंगे। चौथे नंबर पर जन्नत में जाने वाले सारे के सारे मुअज्जिन होंगे, जो भी मुअज्जिन होगा वो जाएंगे। खुशनसीब है मुअज्जिन, मुअज्जिन खुशनसीब है। पहले अंबिया गए, फिर मस्जिद अक्सा के, फिर मस्जिद नबवी के, फिर सारे मुअज्जिन। अंबिया के बाद जन्नत में जाने वाले खुशनसीब मुअज्जिन है, खुशनसीब इस रिवायत के मुताबिक। सलाम ने फरमाया कि ला यजालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक ला यदुर्रहुम मन खालफहुम फकील मन हुम वफी रिवाया अइन हुम काल बैतिल मुकद्दस। हुजूर सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक ग्रोह और ग्रुप हक पर होगा, वो सच पर होगा, हक पर होगा और सच पर होगा, और फरमाया कि कोई भी उनका मुखालिफत करता फिरे उसका कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना बिगड़ेगा। तो पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है, और एक रिवायत में यह है कि पूछा गया अइना हुम वो कहां होंगे, वो कहां होंगे। हुजूर सलाम ने फरमाया वो खुशनसीब बैतुल मुकद्दस में होंगे, बैतुल मुकद्दस में हुजूर सलाम की उम्मत का एक ग्रुप ऐसा होगा जो हक पर होंगे, सच पर होंगे, और दुनिया भर के लोग मुखालिफतें करते फिरेंगे लेकिन उनका कुछ भी ना होगा, उनका कुछ भी वो ना बिगाड़ सकेंगे, और उन पर अल्लाह ताला की ताईद और रहमत होगी। इसमें हुजूर सलाम ने इशारा दे दिया, हुजूर सलाम ने अहले हक को इशारा दे दिया। और बहकी में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हुजूर सलाम ने फरमाया कि मन अहल्ला बिहज्जतिन अव उमरतिन मिनल मस्जिद अल-अक्सा غفر له ما تقدم من ذنبه। कि जिस शख्स ने मस्जिद अक्सा से हज का या उमरे का एहराम बांधा, जिसने मस्जिद अक्सा से हज का या उमरे का एहराम बांधा फिर वहां से हज के लिए और उमरे के लिए रवाना हुआ तो फरमाया उसके सारे पिछले गुनाह अल्लाह ताला मिटा दे। मैंने अपने खिताब में बताया था कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि औलिया मशाइख जब हज के लिए और उमरे के लिए आते थे तो बैतुल मुकद्दस जाते थे, बैतुल मुकद्दस जाके वहां से हराम बांधते फिर खाने काबा आते, ताकि हुजूर सलाम की इस हदीस के मुताबिक उनके गुनाह मुआफ हो जाए और मिट जाए। और एक रिवायत में हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मन
दुफना फी बैतिल मुकद्दस जाज अला सिरात। फरमाया जो खुश नसीब सही अकीदा मुसलमान बैतुल मुकद्दस में दफन हुआ तो बैतुल मुकद्दस में दफन होने वाला कल बरोज क़यामत पुल सिरात पे आराम से गुजर जाएगा, आराम से गुजर जाएगा। और मुसनद बज्जाज में रिवायत है और इसकी रिवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने फरमाया कि हुजूर सलाम ने फरमाया मम मात फी बैतिल मुकद्दस फकअन्नमा मात फिस समा, अन्नमा मात फिस्समा। फरमाया कि जो खुश नसीब सहीउल अकीदा बैतुल मुकद्दस में मरा तो बैतुल मुकद्दस में मरने वाला ऐसा है जैसे वो आसमान में मरा। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस आसमान के बहुत ज्यादा करीब है, जमीनों में सबसे ऊंचा है और आसमान के ज्यादा करीब है। तो ये फजीलत है उस शख्स की जो बैतुल मुकद्दस में वफात पाता है, जिसकी वफात और विसाल बैतुल मुकद्दस में हो जाए। और शायद ये इशारा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खास फैजान की तरफ, क्योंकि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है। तो हदीस पाक में जो बताया कि गोया के वो आसमान में मरा, तो शायद ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खास फैज की तरफ इशारा है जो बैतुल मुकद्दस में वफात पाने वाले को मिलता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खास फैज मिलता है, शायद इसकी तरफ इशारा। और एक हदीस बाग में यह है, हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि मन दुफ़ना फी बैतुल मुकद्दस वुक़िया फितनतुल क़ब्र व सवालुल मलकैन, कि जो खुशनसीब सही अकीदा बैतुल मुकद्दस में मरता है और वहां दफन होता है, बैतुल मुकद्दस में दफन होता है तो उसको कब्र के फितने से बचा लिया जाता है, कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है। और वो खुशनसीब मुनकर व नकीर के जो सवालात होते हैं, मुनकर व नकीर के जो सवालात होते हैं उन सवालात से भी बच जाता है। ये फजीलत है उस शख्स की जो वहां सही अकीदा हो और वहां इंतकाल हो और फिर वहां पर बैतुल मुकद्दस में दफन हो। और बैतुल मुकद्दस में कब्रिस्तान है जैतून और रमला के नाम से, उसकी बड़ी फजीलत है, उसकी बड़ी फजीलत है। और उसके बारे में भी रिवायत है, अबुल माली ने रिवायत बयान की, उन्होंने फरमाया कि जन्नत जन्नत ये मुश्ताक है बैतुल मुकद्दस की, यानी जन्नत चाहती है कि उसे बैतुल मुकद्दस का दीदार हो। और एक रिवायत ये भी है कि बैतुल मुकद्दस में जो सखरा है चट्टान, उसके बारे में एक रिवायत यह है कि यह जन्नतुल फिरदौस से है, इसको जन्नतुल फिरदौस से लाया गया, जैसे कि रियाजुल जन्ना के बारे में हुजूर सलाम ने फरमाया कि रियाजुल जन्ना ये जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। तो इस तरह बैतुल मुकद्दस में जो सखरा नाम का चट्टान की चट्टान है और पत्थर है, फरमाया ये जन्नतुल फिरदौस में से, ये जन्नतुल फिरदौस में से। और फिर मेराज की रात हुजूर सलाम चूंकि बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक हर नबी बैतुल मुकद्दस में था। इसमें इशारा था इस बात की तरफ कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदारे कायनात तक हर नबी के कदम बैतुल मुकद्दस में पड़े और बैतुल मुकद्दस की वो मुबारक जमीन है जिसने हर नबी के कदम के बोसे लिए और हर नबी के कदम को चूमा और हर नबी बैतुल मुकद्दस में आया। उस रात की बात है, मेराज की रात की बात। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बैतुल मुकद्दस में गए
और बैतुल मुकद्दस में अंबिया की इमामत की। बैतुल मुकद्दस में हुजूर इस्लाम ने अंबिया की इमामत की, तो इसमें इशारा यह था कि बैतुल मुकद्दस का स्टेटस और उसका लेवल और भी बुलंद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने से और हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत अंबिया से, इमामत अंबिया से, तो मुसलमानों के यहां जहां काबा काबिल ताजीम है, वहां मस्जिद नबवी भी है और वहां बैतुल मुकद्दस भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो हर जगह जाएगा, लेकिन चार मुकामात ऐसे हैं जहां दज्जाल न जा सके। उसमें मस्जिद हराम है और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद अक्सा है और मस्जिद तूर है। फरमाया ये चार वो मुकामात हैं जहां दज्जाल बावजूद कोशिशों के भी न जा सकेगा, और उस वक्त जब ईमान बचाना मुश्किल होगा, हर अहले ईमान को, हर मोमिन को ये फिक्र होगी कि उसका ईमान बच जाए, तो इन मुकामात पर ईमान बचेगा और मुसलमान लपकेंगे और दौड़ेंगे इन मुकामात की तरफ। ये उस मुकाम, ये जो मुकामात हैं, उस वक्त मोमिनों की ईमान की हिफाजत के मराकज होंगे, मोमिनों की ईमान के हिफाजत के मराकज होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बैतुल मुकद्दस का दीदार और वहां नमाज पढ़ने की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल्लाह।